भारत के खिलाफ बयानबाजी के बीच क्या नेपाल पड़ोसी देश चीन के साथ मिलकर कोई चाल चल रहा है? ये सवाल लिपू लेक के पास चीनी सेना की बढ़ती गतिविधियों के बाद उठ रहा है, जहां पिछले कुछ सप्ताह में चीनी सैनिकों की आवाजाही देखी गई है। दरअसल लद्दाख में चीन भले ही सैनिकों को पीछे हटाने की बात कर रहा है, परंतु मिली जानकारी के मुताबिक चीन लद्दाख के बाद अब लिपू लेक में अपनी सेना तैनात कर रहा है। उसने सैनिकों की एक बटालियन मतलब करीब 1000 से ज्यादा जवान लिपू लेक के पास तैनात कर दिए हैं। हालांकि चीन के संभावित खतरे को देखते हुए भारत ने भी उतने ही जवान अपने क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं। बता दें कि लिपू लेक पास वही इलाका है जहां से भारत ने मानसरोवर यात्रा के लिए नया रूट बनाया है। यह पिछले दिनों तब चर्चा में आया था जब नेपाल ने यहां भारत की बनाई 80 किलोमीटर की सड़क पर एतराज जताया था, जिसका इस्तेमाल LAC के आर पार रहने वाले भारत और चीन के आदिवासी जून से अक्टूबर के दौरान वस्तु व्यापार के लिए करते हैं। फिर नेपाल ने अपने यहां नया नक्शा पास कर विवाद बढ़ा दिया था। इसमें काला पानी, जिसमें लिपू लेक भी शामिल था, उसे अपना हिस्सा बताया था। फिलहाल भारत चीन जितने सैनिक ही तैनात करने के साथ साथ नेपाल पर भी नजर पूरी तरह से बनाए हुए है। दूसरी ओर पूर्वी लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की फिराक में जुटा चीन पेंगोंग झील के फिंगर 4 से 8 के बीच हटने को तैयार नहीं हो रहा है। चीन ने लद्दाख के कुछ इलाकों से भले ही सेना हटा ली हो, लेकिन लंबे समय तक टकराव के लिए LAC से कुछ ही दूरी पर स्थित अक्साई चीन के इलाके में बड़ी सैन्य तैयारी करने में जुट गया है। सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीरों में पता चलता है कि चीन अपने सैतुला सैन्य ठिकानों को आधुनिक बना रहा है और वहां घातक हथियार भी तैनात कर रखा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति लगातार बदल रही है। चीनी सैनिक लद्दाख के अलावा दूसरे जगहों पर भी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं और उनके द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है। लद्दाख और दूसरे जगहों पर चीनी सैनिकों की आवाजाही के मुताबिक भारत ने भी अपने सैनिकों को तैयार रखा है। भारत लद्दाख में सर्दियों के लिए भी तैयारी में जुट गया है। तो दोस्तों, रोजाना फाइनेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस से जुड़ी खबरें देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।